हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केतन तांग, मोटिवेशनल मेंटर और स्टूडेंट काउंसलर। आप कैसे डिसाइड करोगे कि आप सही हो या गलत? कैसे आप हर बार सही डिसीजन ले सकते हो? यह पॉसिबल है अपने कॉमन सेंस। कॉमन सेंस वो है जो किसी बुक में नहीं पढ़ाई जाती, ये आती है अपने एक्सपीरियंस से, अपने फैमिली से, अपने कल्चर से, अपने सराउंडिंग से, अपने गुरु से। जैक मा कहते हैं कि मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे मैनेजमेंट के बारे में कुछ नहीं पता, पर मैं बस इतना जानता हूं कि हाउ टू हैंडल दिस इंटेलिजेंट पीपल एंड दिस इज द मैटर ऑफ कॉमन सेंस। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। एक बार एक इंजीनियर ने एक हाईटेक कार बनाई अपने मालिक को खुश करने के लिए। कार कंप्लीट हो गई, मालिक को दिखाई, मालिक देख के बहुत खुश हो गए और बोले चलो ड्राइव पे चलते हैं। पर जब वो ड्राइव के लिए निकले तो दरवाजे से कार निकल नहीं रही थी। दरवाजे से कार हाफ इंच हाइट में बड़ी थी। सब लोग सोच रहे थे कि क्या करें। एक जन बोला कि कार को जाने दो, जो भी उसमें रिपेयरिंग होगा वो बाद में हम लोग पेंट कर लेंगे और रिपेयर कर लेंगे। दूसरा बोला कि दरवाजे की छत है उसको तोड़ दो, बाद में रिपेयर करवा लेंगे। तीसरा बोला कि जो नीचे की टाइल्स है उसको तोड़ दो, उसको रिपेयर करवा लेंगे। ये सब चीज दूर खड़ा एक चौकीदार देख रहा था। उसने बोला मालिक अगर आप कहो तो मैं एक सजेशन दूं। मालिक बोला बोलो। उसने बोला सभी चारों टायर में से थोड़ी थोड़ी हवा कम कर दो, कार आराम से निकल जाएगी। और हुआ भी ऐसा। सब लोग चौंक गए कि ये आइडिया हमें क्यों नहीं आया, क्योंकि सब लोग अपने इंटेलिजेंस से, अपने नॉलेज से सोच रहे थे और वो चौकीदार ने अपनी कॉमन सेंस अप्लाई की। दूसरा एग्जांपल है, एक बिजनेसमैन है अपने काम के सिलसिले में बाहर जा रहा था कार लेके। इन बिटवीन उसकी कार में कुछ प्रॉब्लम आई, उसने देखा तो कार में पंचर था। उसने कार पुल के पास पार्क की हुई थी और उसने सब स्टेफनी लेके सब बोल्ट निकाले, और जब टायर लेने जा रहा था तो उसका पैर उस बोल्ट पे लगा और सभी बोल्ट नदी में गिर गए। बेचारा प्रॉब्लम में आ गया और रोने लगा कि क्या करो इसका। तभी वहां से एक फार्मर गुजरा, उसने बोला क्या हुआ सर? उसने सभी पूरी बात बोली। तभी फार्मर बोला सर एक काम करो, दूसरे तीनों टायर में से एक एक बोल्ट निकाल के इस टायर में लगा दो, आगे 5 किलोमीटर दूर गैरेज है वहां पे अपनी कार रिपेयर करवा लेना। ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि जो बिजनेसमैन था वो जब सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा था, और जो फार्मर था उसने उसका सोल्यूशन दिया अपनी कॉमन सेंस। दोनों एग्जाम्पल में एक चीज कॉमन है, दोनों में जो प्रॉब्लम में था उसका सोल्यूशन निकाल नहीं पा रहा था, पर जो बाहर जिसके पास ज्यादा कॉमन सेंस थी उसने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला। ये कॉमन सेंस को कैसे बढ़ाए? ये कॉमन सेंस बढ़ सकती है आपके एक्सपीरियंस से। अगर आप हमेशा के लिए लर्निंग मोड पे रहोगे तो ये कॉमन सेंस बढ़ेगी। मेरे गुरु जी कहते हैं कि कॉमन सेंस वो नहीं कि आप बड़ी बड़ी बातें जानो, पर कॉमन सेंस वो है कि आप छोटी से छोटी बात भी समझ सको। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। आपको मेरा भाव से जय स्वामीनाथ।